In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students of class 5. How are you all? I am your teacher, Ms. Fatma Zahid, and I welcome you to the online lecture of social studies. Okay, students, as you know that in the class, we have started our new lesson, which is lesson number 8, Pakistan and its neighbors. In this chapter, basically, we will study our neighboring countries. Ke bare mein padhenge. Just like last lecture, we have studied our country. Ke bare mein padha tha. इस लेक्चर में हम नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड वी ऑल नो दैट पाकिस्तान शेयर बॉर्डर्स विद 4 कंट्रीज एंड दीज कंट्रीज आर नॉन एज अ नेबरिंग कंट्रीज जस्ट लाइक इंडिया चाइना अफगानिस्तान ईरान इन द क्लास वी हैव आल्सो डिस्कस द डायरेक्शंस फ्रॉम द कंपास रोज सो ओके लेट्स सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वर्कशीट ऑफ लेसन नंबर 8 विच यू हैव टू डू इन योर होमवर्क सो ओपन योर वर्कशीट्स Page number 7A. Write down date at the top of the page. Okay. Question number 1 is find out more about Pakistan and its neighboring country India. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कुछ डिटेल्स पूछी हैं वो हमने बतानी है और उसके नेबरिंग कंट्री इंडिया के बारे में जस्ट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उन्होंने क्या पूछा नेशनल डेज अच्छा तो हमें इसमें बेसिकली 2 नेशनल डेज बताने हैं पाकिस्तान के क्या नेशनल डेज मतलब वो दिन जो हम पूरी नेशन एज मतलब पूरी कॉम एज नेशनल डे के तौर पे सेलिब्रेट करती है पूरी कंट्री जस्ट लाइक हम 14th अगस्त इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट करते हैं हम अपना 23rd मार्च नेशनल हॉलीडे वो भी सेलिब्रेट करते हैं लाहौर रेजोल्यूशन जब हमारी पास की गई थी इस तरह से यू कैन राइट एनी अदर नेशनल डे ओके ओके नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ओके सो इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए वी ऑल नो ईद्स एंड मैनी अदर फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री यू कैन राइट एनी अदर फेस्टिवल आपने कोई से 2 फेस्टिवल्स यहाँ पे लिखने हैं ठीक है नेक्स्ट स्पेशल डिशेज ओके इसमें अपने पाकिस्तान की कोई से 2 स्पेशल डिशेज जो ऑल ओवर द पाकिस्तान बहुत फेमस है स्पेशल लोग उसको पसंद करते हैं जस्ट लाइक बिरयानी हो गई एंड सरसों का साग एंड मकई की रोटी इस तरह और भी कोई सी चीज़ें वेल ये तो पंजाब की स्पेशल डिश है और भी कोई से डिशेज जो आप समझते हैं कि ऑल ओवर द कंट्री बहुत स्पेशल है पसंद की जाती है वो आपने यहाँ पे लिखनी ओके एंड फेमस लैंडमार्क्स लैंडमार्क्स क्या होते हैं लैंडमार्क्स बेसिकली कोई जस्ट लाइक अगर हम मीनार पाकिस्तान का नाम लें या जस्ट लाइक हम लाहौर का नाम लें तो हमारे जहन में आता है कि लाहौर में ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं मीनार पाकिस्तान है बादशाह मॉस्क है शाही किला मतलब जो चीज़ें वो लाहौर की पहचान है तो वो हमारे लैंडमार्क जिस तरह अगर हम फैसल मॉस की बात करें तो हमारे माइंड में एकदम इस्लामाबाद आता है मतलब फैसल मॉक एक इस्लामाबाद की पहचान है इसी तरह से आपने कोई से 2 लैंडमार्क्स पाकिस्तान के बारे में लिखने जैसे हम मीनार पाकिस्तान लिख सकते हैं फैसल मॉस्क लिख सकते हैं एनी अदर लैंडमार्क ओके बिल्कुल इसी तरह हमने जिस तक हमने पाकिस्तान का डिस्कस किया बिल्कुल इसी तरह हमने इंडिया के भी बारे में लिखना है इंडिया के नेशनल डेज कोई से 2 नेशनल डेज जो वो सेलिब्रेट करते हैं जस्ट लाइक अगर हम अपना इंडिपेंडेंस डे 14th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं तो वो अपना इंडिपेंडेंस डे यस 15th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं इसी तरह एनी अदर नेशनल डे जो सेलिब्रेट करते हैं यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट और इसी तरह से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स इंडिया में बहुत से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं इस तरह पाकिस्तान में किए जाते हैं एंड वी ऑल नो सम ऑफ द फेमस फेस्टिवल्स आर दिवाली रक्षाबंधन एक्सेट्रा बहुत से फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं इसी तरह इंडिया की स्पेशल डिशेस के बारे में आपने लिखना है कि कौन सी कोई सी ऐसी 2 डिशेज जो इंडिया में बहुत पसंद की जाती हैं स्पेशलिटी इंडिया की और इसी तरह से फेमस लैंडमार्क्स जस्ट लाइक ताजमहल इंडिया में बहुत फेमस है इसी तरह कोई से और लैंडमार्क जो कि इंडिया की पहचान है किसी भी शहर की पहचान है वो आपने लिखना है यहाँ पर ओके क्लियर ओके जी नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज ओके Here, label the provincial capitals in neighboring countries of Pakistan on the map. Here you can see that it's a map of Pakistan. आपने just like हमने last online lecture में discuss किया था lesson number 5 की worksheet उसमें भी map था लेकिन difference क्या था उसमें हमने just provinces और उनके major cities mark की थी तो इसमें हमने provinces और उनके provincial capitals तो mark करने ही हैं just like अगर हम यहाँ पंजाब mark कर रहे हैं तो पंजाब का provincial capital कौन सा सूबे का capital कौन सा yes it is लाहौर इसी तरह से हमने सिंध एक प्रोविंस और इसका प्रोविंशियल कैपिटल है कराची यहाँ पे बलूचिस्तान और इसका प्रोविंशियल कैपिटल है क्वेटा यहाँ पे केपी के और इसका प्रोविंशियल कैपिटल है पेशावर इस तरह से हमने इन प्रोविंसेस को मार्क करना है उनके प्रोविंशियल कैपिटल्स को और बिल्कुल इसी तरह ये तो मार्क कर लिया
क्योंकि ये चैप्टर नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, तो इसमें हमने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी मार्क करना है। जस्ट लाइक हमने क्लास में डिस्कस किया कि पाकिस्तान शेयर बॉर्डर्स विद फोर कंट्रीज़, तो हम जिनके बॉर्डर शेयर करते हैं तो वो तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ कहलाती है ना, तो आपने इस मैप के साथ नेबरिंग कंट्रीज़ मार्क करनी है। जस्ट लाइक हमने डिस्कस किया था कि इंडिया हमारे ईस्ट में आता है, तो ईस्ट डायरेक्शन हमारी ये हुई। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द कंपास रोज, फ्रॉम योर बुक एंड ऑल्सो फ्रॉम द इंटरनेट कि हमारी कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और किस डायरेक्शन में आती है। वी ऑल नो द फोर नेबरिंग कंट्रीज़ आर इंडिया, ईरान, चाइना एंड अफगानिस्तान। सो आपने लिखना है कि कौन सी नेबरिंग कंट्री किस डायरेक्शन में थी। ओके, क्लियर? ओके जी, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके जी, इट्स पेज 7B। कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ टू फेमस प्लेसेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ओके, इंटरेस्टिंग। वी ऑल नो दैट पाकिस्तान शेयर बॉर्डर्स विद फोर नेबरिंग कंट्रीज, चाइना, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। सो आपने करना क्या है, बेसिकली इस पेज पे फोर बॉक्सेस दिए हैं, ठीक है? आपने करना है, जैसे लेकिन चाइना की बात हो तो कोई से दो चाइना की फेमस प्लेसेस आपने इमेजेस कलेक्ट करनी है। किसी भी बुक शॉप से हमें इन इमेजेस मिल जाती हैं, ये जैसे लेकिन हमें पाकिस्तान की फेमस प्लेसेस की मिल जाती है, इस तरह बहुत सी डिफरेंट कंट्रीज़ की फेमस प्लेसेस की इमेजेस हमें मिल जाएंगी। यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द बुक शॉप और न्यूज़पेपर से भी आप ले सकते हैं, उसको कट करके आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाइना की बात करें, चाइना की कोई से दो फेमस प्लेसेस आपने उनके पिक्चर्स देनी है, यहाँ पे पेस्ट कर देनी है और साथ उनका नेम भी मेंशन कर देना कि किस जगह के इमेज। ओके, इसी तरह इंडिया के इमेज, दो ही कोई से दो फेमस प्लेसेस के आपने इमेजेस लेनी है, पेस्ट कर देनी है यहाँ पे, साथ उनका नाम भी मेंशन कर देना। ओके, क्लियर? आप न्यूज़पेपर से इमेजेस ले सकते हैं या फिर आप बुक शॉप इजीली अवेलेबल होती हैं इमेजेस, या कहीं से भी आप ले सकते हैं, मैगजीन्स वगैरह में भी होती हैं। ओके ओके जी, लास्ट टू नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे हमने ईरान और अफगानिस्तान के बारे में, इनके कोई से दो दो फेमस प्लेसेस के हमने इमेजेस कलेक्ट करनी है और उनको यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। ओके, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन से ले सकते हैं, या हम बुक शॉप पर भी इजीली अवेलेबल होते हैं। ओके, वेल स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट योर वर्कशीट ऑफ लेसन नंबर 8 इन डिटेल। सो योर होमवर्क इज, यू हैव टू डू दिस वर्कशीट इन योर होमवर्क। ओके, वी हैव डिस्कस्ड वेरी डिटेल, सो होपफुली ईजिली आप कर लेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। वेल स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। See you in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz.